सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने जा रहे हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की यू आईडी इन 2021। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं आज पहली बार पीसी पर बना रहा हूं, तो हो सकता है एडिटिंग में थोड़ा सा गलती हो जाए, तो आप लोगों से इग्नोर करना। बाकी मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूं अच्छा वीडियो बनाने का। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई पीसी का व्लॉग कब आएगा, तो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में बोला था 70,000 लाइक कंप्लीट कराने को, और हो सकता है वो जल्दी कंप्लीट हो भी जाए, क्योंकि आप लोगों ने जो उस वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाया ना, सच्ची में मेरा दिल खुश हो गया। आज तक अभी इतने कम व्यूज पे इतने ज्यादा लाइक्स मेरे नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने इस बार कर दिखाया। तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हमारे पीसी के व्लॉग पर होने वाली है। तो अभी हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो मैं आइडियाज दिखाने वाला हूं, सच्ची में इतनी खतरनाक आइडियाज होने वाली है, और उनमें से एक प्लेयर तो ऐसा है जिसके पास सीजन 1 से लेकर 6 तक के सारे बंडल्स थे। मतलब अभी जो आप लोग स्क्रीन पे सारे बंडल्स देख रहे हो, उस बंदे के पास ये सारे बंडल थे, लेकिन उसके बाद भी उसने फ्री फायर को क्विट कर दिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी कुछ आइडियाज को सर्च करने वाले 2021 के अंदर, और देखेंगे गाइस क्या उनके पास हिप हॉप बंडल, क्रिमिनल बंडल, सकुरा बंडल, ऐसे रेयर बंडल्स हैं, और करंटली उनका लेवल कितना है, क्या उनका लेवल 80, 90 या फिर 100 है। और किसी भी 2017 के प्लेयर को देखने में तो आप लोग ये पता नहीं लगा सकते वो 2021 में कैसा हो सकता है, क्योंकि जो 2017 में नूब था वो 2021 में आके बहुत ही ज्यादा प्रो हो चुका है। तो चलो फिर अपने इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चैनल पे न्यू आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे डेली 6 PM पे ऐसे न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं जानता हूं 2-4 दिन से वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो जाती हैं, या फिर वीडियो कभी कभी आती नहीं है, लेकिन अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलो फिर अपनी इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर आप लोग हमारी आईडी नंबर 1 देख सकते हो, ये सारे जो प्लेयर इनकी आईडी मैं सर्च करी थी, ज्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन जो गोकू नाम का बंदा, इसकी आईडी बहुत तगड़ी थी, यहां पर आप लोग देख सकते हो। और ये बंदा अभी भी गेम में एक्टिव है, अभी हम लोग इसकी आईडी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे के पास है गाइस हिप हॉप बंडल, एंड हमारी जो इंक्यूबेटर वाली टॉप वाली MP40 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का 73 लेवल है, उसके साथ में इसके 28,000 लाइक हैं, एंड ये बंदा दोनों ही रैंक पर हीरोइक पर है। और यहाँ पर आप लोग इसके बैजेस भी देख सकते हो, इस बंदे ने सारे इलाइट पास ले रखे हैं, और हर किसी में 400 तक लगभग बैजेस क्लेम कर रखे हैं। बात कर ले अगर हम लोग इसकी गिल्ड की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बंदा टीम लावा 2 का खुद गिल्ड लीडर है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेट कैसे है, ये बंदे का प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया लगता है, अभी देखते हैं इसका केडी रेट और हेडशॉट रेट कैसा है। तो यहाँ पर मैं इसके प्रोफाइल देखता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का जो केडी रेट है वो है 4.5 का केडी रेट, 30% हेडशॉट रेट। बात कर ले अगर हम लोग डुओ की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4.3 का केडी रेट, 22% हेडशॉट रेट। बात कर ले अगर सोलो की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका 3 का केडी रेट है, 30% का हेडशॉट रेट है। और ये रैंक सीजन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, स्क्वाड में इसका केडी रेट है 5.6 का केडी रेट, 24% का हेडशॉट रेट। बात कर ले अगर क्लैश स्क्वाड की, तो यहाँ पर 67% विन रेट, 48% का हेडशॉट रेट। बात कर ले अगर सीएस रैंक की, तो यहाँ पर देख सकते हो 70% विन रेट, 50% का हेडशॉट रेट, जो कि बहुत सही है। तो आप लोग बताना गाइस इस बंदे की प्रोफाइल आप लोगों को कैसी लगी, मुझे तो ये देख के अच्छा लगा, चलो कम से कम इतना पुराना फ्री फायर का प्लेयर, इसने इतनी चीजें फ्री फायर में कलेक्ट करी, तो इसने फ्री फायर को क्विट तो नहीं करा और अभी तक फ्री फायर खेल रहा है। वैसे गाइस आप लोग बताओ कि आप लोग चाहकर भी कभी फ्री फायर को क्विट कर सकते हो, भाई यार मैं तो कभी क्विट नहीं कर सकता, आप लोग बताओ कि आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग हमारा नेक्स्ट प्लेयर देख सकते हो गाइस, इस बंदे के पास सीजन 1 का इलाइट पास था, तो हम लोग इसकी यूआईडी देखते हैं और चलते 2021 के अंदर सर्च करते हैं। सो भाई लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने गेम को लीव कर दिया, क्योंकि 30 डेज से ऑफलाइन है, हम इसकी आईडी इंस्पेक्टेड करते हैं, और यार ये क्या भाई, ये जोकर का आ गया इसके चेहरे पे। यहाँ पर रियल देख सकते हो, रियल कुछ ही बंडल ऐसा लगता है, जो कि फ्री फायर का वन ऑफ द रेयरेस्ट बंडल है। ये बंडल गाइस हिप हॉप और सकुरा बंडल से भी रेयर है, क्योंकि इसको बहुत ही कम बंदों ने निकाला था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके पास सीजन 4, 5, 7 और 8 के लाइट पास है, भाई मतलब इसकी आईडी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। लेकिन यार उसके बाद भी गाइस इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया, भाई कैसे कर दिया यार, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी रेयर आईडी होती है इन बंदों के पास, उसके बाद भी ये बंदे फ्री फायर को क्विट करते हैं। वैसे गाइस आप लोग बताओ क्या आप लोगों ने इस वाले बंडल को कभी अपने गेम के अंदर देखा है, आप लोगों ने हिप हॉप और क्रिमिनल तो देखा होगा, लेकिन ये वाला पक्का नहीं देखा होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4.8 का केडी रेट है, 55% का हेडशॉट रेट है। बात कर ले डुओ की, तो यहाँ पे 5.5 का केडी रेट एंड 62% हेडशॉट रेट। बात कर लेगा सोलो की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 का केडी रेट एंड 53% हेडशॉट रेट। बात कर ले अगर यहाँ पे क्लैश स्क्वाड की, तो क्लैश स्क्वाड के भी स्टेट यहाँ पर देख सकते हो, इस बंदे ने एक भी क्लैश स्क्वाड का मैच नहीं खेल रखा है, क्योंकि इसने फ्री फायर को बहुत पहले ही क्विट कर दिया था। आप लोग बताना ये आईडी आप लोग कैसी लगी, सच्ची में यार इसकी आईडी देखने में मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार इतना पुराना फ्री फायर का प्लेयर अगर अभी तक फ्री फायर को खेलता तो हो सकता है फ्री फायर का बहुत अच्छा प्लेयर होता, क्योंकि इसके पुराने स्टेट आप लोगों ने देखा कितने बढ़िया थे, इसका 5 का केडी रेट और हर किसी में 60% प्लस हेडशॉट रेट था। यहाँ पर आप लोग हमारा नेक्स्ट क्लिप देख सकते हो, यहाँ पे जो बंदा था इसके पास
पास भी गाइस सीजन 1 का इलीट पास था। तो हम लोग इसकी आईडी सर्च करते हैं और देखते हैं अभी के टाइम में ये बंदा कैसा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस ये बंदा है एरो इनसेन, जो कि असली वाले एरो गिल्ड में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका 75 लेवल है, 24,000 लाइक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस ये बंदा ओरिजिनल वाले एरो गिल्ड में, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एरो AK, इसके पास वी बैज भी है, इससे प्रूव होता है ये असली वाला एरो गिल्ड है। और यहाँ पर आप लोग गाइस इसका एवेटर और बैनर भी देख सकते हो। ये दोनों एवेटर बैनर सीजन 2 के हीरोइक एवेटर बैनर है, जो कि बहुत ही रेयर है। और आपने तो देखा ही था इस बंदे के पास गाइस सीजन 1 का इलाइट पास भी है, इसका मतलब इसके पास बहुत ही ज्यादा रेयर चीज होंगी इसकी आईडी में। तो गाइस आप लोग बताना ऐसी आईडी अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा हुआ। पैसा ही पैसा होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे जिस तरह से इंडियन सर्वर में ऐसी रेयर चीजें रिटर्न आ रही है, मुझे लगता है जल्दी सीजन 2 और 1 का लाइट पास भी रिटर्न में आने वाला है, और हो सकता है क्रिमिनल भी रिटर्न आ जाए। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस बंदे की स्टैट के बारे में। तो आप लोग इसका स्क्वाड का केडी रेट देख सकते हो, वो है 4 का, 20% हेडशॉट रेट है। बात कर ले डुओ की तो यहाँ पे 2.3 का केडी रेट, 20% हेडशॉट रेट। और हम बात कर ले सोलो की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का सोलो में केडी रेट 2.6 का एंड 27% हेडशॉट रेट है। बात कर ले अगर इस सीजन के रैंक की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का 4 का केडी रेट एंड 25% हेडशॉट रेट। एंड क्लैश स्क्वाड में देख सकते हो 66% विन रेट, 24% हेडशॉट रेट। एंड क्लैश स्क्वाड रैंक में 60% विन रेट एंड 24% हेडशॉट रेट। तो गाइस आप लोग बताना इस बंदे की प्रोफाइल आप लोगों को कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पता ही है ना 1 मिलियन पे फेस रिवील हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ दो बंदे, ये बंदा एक को तो नॉक कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसका टीममेट होता है वो इसको मार देता है। तो अभी हम लोग जो इसका टीममेट है उसकी यूआईडी दिख जाएगी। तो गाइस हम लोग देखते हैं इसकी यूआईडी और देखते हैं अभी के टाइम में बंदा कैसा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे की यूआईडी हमने कॉपी कर ली है, एंड ये पबजी फाइटर गेम में भाई खेल फ्री फायर रहा है, नाम पबजी रखा पड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस इसी बंदे की मैं बात कर रहा था, जिसने 1 से लेके 6 तक सारे इलाइट पास लिए, और फिर 7 सीजन में इसने बस 9 बैजेस लेके फ्री फायर को क्विट कर दिया। अब भाई यार इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसने फ्री फायर को क्विट कर दिया? हो सकता है गाइस इसकी आईडी या तो बैन हो गई हो या फिर इसने फ्री फायर को ही क्विट कर दिया। अगर फ्री फायर को क्विट करना ही था भाई, इतने ढेर सारे इलाइट पास खरीदे क्यों, और यार इतने ढेर सारे बैजेस भी कंप्लीट करे। अब जहां तक मुझे लगता है इसकी आईडी 100% बैन हुई है, कोई इतना तो बेवकूफ होगा नहीं सारे इलाइट पास ले फिर एकदम से छोड़ दिया, वो धीरे धीरे फ्री फायर को छोड़ेगा ना। आप लोग बताना गाइस आप लोगों को क्या लगता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके स्टेट के बारे में, इस बंदे के स्टेट्स कैसे हैं, इससे पता चल जाएगा इसने फ्री फायर में हैक तो यूज नहीं करा था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस इसका स्क्वाड का केडी रेट है 1.76 का। बात कर ले हेडशॉट रेट, वो सिर्फ 13% है। तो जहां तक मुझे लगता है हैक यूज नहीं करा था इस बंदे ने। अगर ये बंदा हैक यूज करता तो इसका हेडशॉट रेट तो बहुत ज्यादा होता, लेकिन इसका हेडशॉट रेट एकदम नॉर्मल सा है। तो गाइस आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है। और बात अगर क्लैश स्क्वाड की कर ले तो इस बंदे ने आज तक एक भी क्लैश स्क्वाड का मैच नहीं खेला, क्योंकि इसकी आईडी बहुत पुरानी है और उसी टाइम पे इसने फ्री फायर को क्विट कर दिया था। और मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं भाई, यार 1 मिलियन के देखो बहुत ज्यादा क्लोज है भाई, फेस रिवील कर रहा हूं तो मान लीजिए इतना ज्यादा कर रहा हूं, तो मैं यार 1 मिलियन नहीं करा रहा गाइस। जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, और घंटे को भी ऑल पे दबा देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम लोग सजेस्ट करो यार 1 मिलियन पे हमें क्या स्पेशल करना चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, बाकी आप लोग भी बताना आप लोग क्या चाहते हो 1 मिलियन पे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट प्लेयर है इस बंदे का नाम है ADS सुनील, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का 73 लेवल है, 27,000 लाइक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ड्रेस कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है, ये तो पता चल गया इस बंदे के पास सीजन 4 का इलाइट पास है, सीजन 7 का इलाइट पास है, एंड सीजन 3 का इलाइट पास है, क्योंकि इसका एविटर देख सकते हो सीजन 3 का इलाइट पास का एविटर है। और इस बंदे के पास ब्लैक वाला जर्सी भी है। तो गाइस आप लोग बताओ आप लोगों को ब्लैक वाला जर्सी ज्यादा अच्छा लगता है या फिर एशियन स्कार्फ ज्यादा अच्छा लगता है? भाई मुझे तो दोनों चीजें बढ़िया लगती है, आप लोगों को क्या बढ़िया लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और ये बंदा इतना पुराना प्लेयर है ना, जब रैंक सीजन नहीं आया था उससे भी पहले से ये बंदा फ्री फायर को खेल रहा है, नहीं देख सकते उसी वजह से इसका लेवल 73 हो गया। और इस बंदे का अपना खुद का गिल्ड है जिसका नाम है ADS Esports। सभी हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बंदे का स्क्वाड में केडी रेट है 3.7 का, 24% का हेडशॉट रेट। बात करनी अगर डुओ की तो यहाँ पर देख सकते हो 3.14 का केडी रेट, 125 का हेडशॉट रेट। और सोलो में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2.8 का केडी रेट एंड 30% का हेडशॉट रेट। तो यार इसकी स्टेट तो काफी बढ़िया है, आप लोग बताना आप लोगों को इसकी स्टेट कैसे लगी। सभी हम बात कर लेते हैं क्लैश स्क्वाड के बारे में। तो यहाँ पर क्लैश स्क्वाड की स्टेट भी देख सकते हो 69% का विन रेट एंड 28% का इसका हेडशॉट रेट है। बात करनी अगर CS रैंक की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका 68% का इसमें विन रेट एंड 22% हेडशॉट। तो इसके स्टेट थे वो भी एकदम एवरेज से थे, एकदम नॉर्मल सा प्लेयर था ये। तो आप लोग बताना गाइस ये वाला प्लेयर आप लोगों को कैसा लगा। सो चलो गाइस आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।